वहीं कृष्ण बाली कांग्रेस की महागठबंधन पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का ट्वीट भी सामने आया है। ट्वीट में लिखा गया है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने कुंबा जोड़ा। तो तंज कसा गया है, विज ने कटाक्ष किया था कि गठबंधन करने वालों के ना तो विचार एक है और ना नीति, ना नेता और ना ही नीयत। तो जनता के दिल को सेवा के साथ जीते जाते हैं, बराला ने ये कहा था साफ तौर पर। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तंज कसा है, अनिल विज का यह ट्वीट देखने को मिला है। तो हमेशा लगातार जो अनिल विज है ट्विटर बम फोड़ते हुए नजर आते हैं, महागठबंधन को लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का एक बार फिर से बयान सामने आया है जो सियासत को गर्मा सकता है, जिस तरीके से तंज कसते हुए नजर आए हैं, वार करते हुए नजर आए। तो कुनबा जोड़ा है, ना एक विचारधारा है, ना नीति है, ना नेता है और ना नीयत है। महागठबंधन पर अनिल विज का यह ट्वीट सामने आया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता जुड़ चुके हैं कृष्ण, जिस तरीके से अनिल विज जो है लगातार सुर्खियों में भी रहते हैं, हरियाणा के गब्बर मंत्री कहे जाते हैं, यानी कि ट्विटर पर एक बार फिर से फोड़ते हुए नजर आए हैं, और अब महागठबंधन को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। जी बिल्कुल प्रीति जी, में हम कह सकते हैं कि अनिल विज कोई भी मौका नहीं गंवाते कि जो अपनी दूसरों को उनकी खिंचाई करने में या उन पर तंज कसने में कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब जिस तरह से मायावती ने अपने महागठबंधन से हाथ पीछे खींचे हैं, उसको लेकर अनिल विज ने एक बड़ा ट्वीट किया। ट्वीट के साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी बात किया, उन्होंने कहा कि हालांकि ये कहावत कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कनबा जोड़ा, इसको उन्होंने एक नए अंदाज में पेश किया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और राहुल गांधी ने कुनबा जोड़ा। इस बात को लेकर अनिल विज ने एक तंज कसाया और सिद्धेश के साथ साथ महागठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी को भी उन्होंने इसमें लपेटे में ले लिया। जैसे कि देखने को मिलता है हरियाणा में जो है दो गुट में नजर आती है कांग्रेस, हुड्डा अपनी गुट में नजर आ रहे हैं, तंवर अपनी गुट में नजर आ रहे हैं, वहीं साफ तौर पर जो है हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को भी मौका मिलता है उन पर तंज कसने का, लेकिन ये जो महागठबंधन है जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म हो रही है, वहां पर भी जहां मायावती साफ इनकार करती हुई नजर आई थी गठबंधन पर, लेकिन तंज कसती हुई वो भी नजर आई थी कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं दरार है। जी बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि हरियाणा में इस समय सबसे ज्यादा जो इनकी गुटबाजी चल रही है, एक तरफ किरण चौधरी है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अशोक तंवर है, और इस तरह से कई और नेता जो है जो अलग अलग अपने कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है, इसको लेके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक इन हरियाणा की राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उन्होंने इन सभी नेताओं को अभी एकजुट होकर उनको काम करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आए दिन इस पे तंज कसते रहते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी ये बयान देकर कहा था कि कांग्रेस नहीं है ये, कांग्रेस टुकड़े है ये, कांग्रेस पार्टी किसी समय में हुआ करती थी लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी ना होकर जी कृष्ण वाली। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो तंज कसते हुए नजर आया अनिल विज।